वेलकम टू डॉल्फिन एप्लाइंस चैनल, आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो एक स्पेशली न्यू फंक्शन न्यू मशीनरी की है, 2023 की एडवांस फंक्शन वाली सोडा बोतल फिलिंग प्लांट, रोटरी सोडा बोतल फिलिंग प्लांट। आज तक आपने जितनी वीडियो देखी होगी वो सेमी ऑटोमेटिक होगी, जिसमें पहले सोडा भरो, सिरप भरो, फिर हाथ से ढक्कन लगाओ, फिर हाथ से कैपिंग लगाओ, तो बहुत सारे लेबर्स का वर्क होता था। तो आज ये मशीन आधुनिक फंक्शन आधुनिक सिस्टम में बनाई है, जिसमें ओनली एक आदमी पूरी मशीन को चला सकता है, सिर्फ एक आदमी पूरी मशीन को ऑपरेट कर सकता है दोस्तों इसके अंदर। तो ये मशीन भी बजेटेबल है दोस्तों, हाई बजट और हाई प्राइस वाली मशीन नहीं है। जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन आती है उस तरह के प्राइस में ये मशीन अवेलेबल है हमारे पास। ये मशीन के अंदर से दोस्तों आप इस तरह का खुद का एक कंपनी, खुद का एक ब्रांड बना सकते हो। जैसे कि हमारे हाथ में जीरा मसाला का फ्लेवर का बोतल पड़ा हुआ है और यहाँ पे माजा का बोतल पड़ा हुआ है जो जूस का फ्लेवर है। इस तरह का बोतल का प्रोडक्शन आप ये मशीन में से ले सकते हो। एक बोतल जो बाजार में 10 रुपए में बिकती है, ये बोतल बनाने का खर्चा दोस्तों आपको 5 रुपए में गिरता है, जिसके अंदर बोतल आ गया, ढक्कन आ गया, फ्लेवर आ गया, स्टिकर आ गया, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, एवरीथिंग इंक्लूड। 5 रुपए में एक बोतल घर में पड़ता है आपको, होलसेल में एक बोतल आप 8 रुपए में दे सकते हो, रिटेल में एक बोतल 10 रुपए में बिकता है। उसी तरह का जूस का मैंगो माजा फ्रूटी पाइनएप्पल लीची ऐसा जूस का बोतल भी आप बना सकते हो मशीन के अंदर से। मशीन की कैपेसिटी दोस्तों 6 बोतल से लेकर 10 बोतल 1 मिनट के अंदर निकलती है, BPM मिनट के ऊपर है मशीन में से बोतल का प्रोडक्शन निकलता है। 1 मिनट के अंदर 6 से 10 बोतल एज योर प्रैक्टिस, जैसा आपका वर्कर की कैसी प्रैक्टिस है। नया मशीन ले रहे हो, नए वर्कर है तो उसका स्पीड यहाँ डिस्प्ले में से स्लो रखेंगे हम, जिसकी वजह से आप 1 मिनट के अंदर 6 बोतल का प्रोडक्शन ले सकते हो। जैसे ही वर्कर का हार्ट बेच जाता है, प्रैक्टिस हो जाता है, तो धीरे धीरे आप इसका स्पीड बढ़ा सकते हो। वैसे एक्चुअली मशीन की कैपेसिटी 1 मिनट में 15 बोतल की है, लेकिन हमने जो इसमें कूलिंग सिस्टम कूलिंग परफॉर्मेंस दिया है उसके मुताबिक 6 से 10 बोतल 1 मिनट में आप निकाल सकते हो। अगर आप इसके अंदर एक आउटर चिलर अलग से लगाते हो तो इसकी कैपेसिटी 1 मिनट में 15 बोतल की भी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों टाइम को गवाए बिना हम आपको बोतल का प्रोडक्शन करके बताते हैं कि आपका एक आदमी ये मशीन को ऑपरेट कैसे कर सकता है और मशीन को कैसे चला सकता है। हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी बोतल पड़ा हुआ है, खाली बोतल है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे खाली बोतल है। आपको सिर्फ यहाँ पे बोतल रखना है, ऑटोमेटिक फ्लेवर फिल हो जाएगा। आपने जो फ्लेवर भरा है जीरा मसाला, ऑरेंज, फ्रूट बियर, लीची, आपको क्या फील करना है, सादा सोडा फील करना है, जीरा मसाला फील करना है, जूस फील करना है या पानी फील करना है, ये आपको वन टाइम डिस्प्ले में से सेट कर लेना है। आपको कितने ml का बोतल फील करना है, 200 ml का करना है, 300 ml का करना है, 600 ml का करना है, 1.25 लीटर का करना है, 2.25 लीटर का करना है, वन टाइम डिस्प्ले में से आपको सेट कर लेना है वो चीज़ को दोस्तों। ढक्कन लगाने के लिए यहाँ पे कैपिंग होल्डर है, यहाँ से आप कैपिंग लगा सकते हो, एक एक कैपिंग। यहाँ पे कैपिंग बाउल हमने दिया गया है, ये बाउल में से आप उठा के एक एक कैपिंग ऐसे लगा सकते हो। 15 से 17 कैपिंग का कैपेसिटी ऑलरेडी स्टोरेज है। अगर आपका आदमी बोतल में एक कैपिंग लगाना भूल जाता है तो यहाँ पे स्टोरेज ऑलरेडी हमने दिया गया है। तो चलिए, और यहाँ पे हमने एक बाउल दिया गया, ये टैंक है, डब्बा है, यहाँ पे आप कोई भी ऐसा बाउल रख सकते हो जो बोतल आके सीधा गिर के बाउल में भरेगा। फिलहाल ये बाउल के अंदर एक भी बोतल नहीं है, आप देख सकते हैं पूरा खाली है। अभी हम मशीन को ऑपरेट करके चलाएंगे, इसमें बोतल लगाएंगे, सिर्फ आपको बोतल को यहाँ पे रख देना है, इसे ये बोतल आपको रखना है सिर्फ। ऑटोमेटिकली फ्लेवर फिलअप होगा, ऑटोमेटिक ढक्कन लगेगा, ऑटोमेटिक कैपिंग लगेगा, सोडा फिल हो जाएगा, सिरप फिल हो जाएगा, सभी चीज ऑटो वर्किंग से, ऑटो फंक्शन से फिल होते रहेंगे। एक ही आदमी यहाँ पे बोतल भी लगाएगा और ढक्कन भी लगाता रहेगा। यहाँ पे आप ढक्कन लगा सकते हो, ऐसे देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ढक्कन लगा सकते हैं, इसमें एक एक ढक्कन हमारे को लगाते रहना, यहाँ पे बोतल आके गिर जाएगा नीचे, आप देखिए यहाँ के सीधा नीचे बाउल में गिर गया बोतल, बोतल भरा, कैपिंग हो गया, आके सीधा बाउल में, हमको पकड़ के निकालना भी नहीं है, ऑटोमेटिकली उसके हाथ से नीचे गिर जाएगा। अब देखिए सीधा बाउल में, हम आपको एक बोतल पकड़ के दिखाते हैं, अब देखिए ये फाइनल कंप्लीट बोतल तैयार हो चुका है। खाली आपको इसमें स्टिकर लगाओ, अपना डेट लगाओ और बंच पैकिंग लगाओ, ऑटोमेटिकली गिर जाएगा इसके अंदर। अभी हम आपको दोस्तों लाइव वीडियो के अंदर 1 मिनट में मशीन की कैपेसिटी कितनी है उसकी पूरी लाइव डिटेल देने वाले दोस्तों। इसको पूरा खाली कर दीजिए पहले, कि 1 मिनट के अंदर मशीन में से कितनी बोतल का प्रोडक्शन आप निकाल सकते हो। पूरा टैंक खाली कर दिया हमने, बाउल खाली कर दिया हमने, यहाँ पे हम टाइमिंग को मैच कर लेंगे कि 1 मिनट का सेटिंग करेंगे यहाँ से।
यहाँ पे हम ढक्कन लगा देंगे, यहाँ पे ढक्कन लगा देंगे पहले हम। ये ढक्कन का बाउल है, यहाँ पे ढक्कन पूरा फुल अप कर देंगे हम। अभी हम यहाँ पे आ जाइए, आप यहाँ पे बोतल लगाइए, हम आप कस्टमर को टाइमिंग का स्टॉपेज बताएंगे। आप बोतल पहले लगा दीजिए, सब लगाने और कैपिंग भी लगाना रहना है उसके अंदर। कैपिंग खत्म होगा इसलिए कैपिंग भी लगाना है। हम जैसे ही एक बोतल यहाँ पे लाइन में आएगा, आपका ये स्टॉपेज चालू कर देंगे। एक मिनट में कितना कैपेसिटी बोतल निकाल रहा है मशीन। अभी बोतल यहाँ पे आएगा तब हम उसका टाइमिंग पकड़ेंगे। ऊपर कैपिंग रख जाओ, बोतल भूला ही नहीं है। ये बोतल जब यहाँ पे आके गिरेगा तब इसको हम स्टार्ट करेंगे। ये हम इसको कर दिया है यहाँ से स्टार्ट। एक बोतल गिरा, अभी दूसरा। एक मिनट के अंदर कितना बोतल का प्रोडक्शन मशीन निकाल के देती है आपको। ये पूरा बाउल हम आपके सामने ही भर रहे हैं यहाँ पे। लाइट हुआ बाउल दिखना चाहिए, बाउल हाइड मत करो, बाउल को हाइड मत करो, साथ में दिखना चाहिए। मशीन और बाउल दोनों दिखना चाहिए। कस्टमर को लाइव और ओरिजिनल परफॉर्मेंस दिखाइए। ओरिजिनल परफॉर्मेंस क्या होता है वो दिखाइए लाइव टू लाइव। ये बोतल बाहर गिर गया है, हम इसको अंदर लगा रहे हैं। 34 सेकेंड। एक मिनट हो गया, स्टॉप कर देते आप, चालू बंद कर दीजिए। अभी हम हमारे कस्टमर को यहाँ पे बोतल गिन के बताएंगे। एक बोतल, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, पूरे 13। 13 बोतल का प्रोडक्शन निकला है दोस्तों एक मिनट के अंदर। 13 बोतल का प्रोडक्शन निकला है। चार बोतल हो गया, ये पांच बोतल है, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह और ये 13। थोड़ा उससे ऊपर से भी बताइए हमारे व्यूवर्स गिन सके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 बोतल का एक मिनट में हमने आपको लाइव प्रोडक्शन करके बताया दोस्तों। सिर्फ आपको बोतल यहाँ पे लगाया हमने, ये भर के कंप्लीट होके, और इसका वेरिएशन भी देखिए, सभी बोतल कितना भरा है वो देखिए आप। एक ही लेवल से सबका प्रोडक्शन आ रहा है, देखिए बोतल का सबका प्रोडक्शन देखिए। हमने एक ही लेवल से आपको लाइव टू लाइव वीडियोग्राफी बताई है। सबकी फिलिंग और लाइनिंग सिस्टम सबकी समान आ रही है इसके अंदर। ये मशीन के अंदर दोस्तों कूलिंग सिस्टम, हम जो कंप्रेसर सिस्टम साथ में देते हैं, उससे उसकी कैपेसिटी होती है 6 to 10 बोतल एक मिनट में। 6 से 10 बोतल एक मिनट में आप निकाल सकते हो। अगर 13, 14, 15, 16 बोतल भी आपको निकालनी है एक मिनट में, तो उसको आपके लिए आउटर चिलर एक अलग से लगाना पड़ेगा दोस्तों। और एकदम स्मॉल और कॉन्सेप्ट साइज की मशीन है। साइज देखिए दोस्तों इसका, आप इसका चौड़ाई देखिए, इसका हाइट देखिए और इसका डिप्थ दिखाइए। वन यूनिट वन सेटअप मशीन है, इसका डिप्थ इतना है। कोई भी छोटी सी जगह पे आप मशीन लगा के खुद का एक ऑटोमेटिक प्लांट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई सेमी ऑटोमेटिक का इंतजार कर रहे हैं, परचेस करने का सोच रहे हैं, तो एक बार हमारी कंपनी में जरूर कॉन्टेक्ट करें और इसकी प्राइस जाने, डिटेल जाने, इसका डिस्काउंट जाने कि वही रेट के अंदर अगर आपको ये रोटरी प्लांट मिल सकती है दोस्तों, तो सबसे बेटर चीज है कि कम लागत में, कम इन्वेस्ट के अंदर और कम वर्कर के अंदर एक ही आदमी पूरी मशीन को ऑपरेट चला सकता है, चला सकता है। तो दोस्तों ज्यादा डिटेल, ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट करके हर एक डिटेल जानकारी फंक्शन ले सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंस।